So hello everyone and a very good morning to all of you. Welcome back once again to the session of government schemes. In this session guys, we are going to discuss a very important scheme jiska naam hai Ayushman Bharat. Is scheme ko kafi zyada famous kiya gaya tha by the government of India and it is the largest insurance scheme in the world. Sabse badi health insurance scheme hai ye puri duniya ki. Okay, so let's start discussing the scheme and For more updates, do subscribe to our channel and press this bell icon. ये bell icon दबा दो जल्दी से and also you can join this Telegram group for daily quizzes. Okay, and this is the scheme that guys we are going to discuss today, Ayushman Bharat. और ये scheme काफी important है. इसमें से कई बार कई exams में question आ चुका है and in future भी we can expect questions from this scheme in any exam. Okay, so first of all, let us try to simplify the objective of the scheme. And these are the things that you can do effortlessly. सबसे पहले वो चीजें जो कि हम effortless manner में कर सकते हैं. So there are two words, Ayushman and Bharat. So what is the meaning of Ayushman? Ayushman का मतलब होता है long life. मतलब we have to provide long life to the people. और भारत है तो obviously हम किसकी बात कर रहे हैं? People of India की बात कर रहे हैं, right? अब long life कैसे provide कराई जा सकती है? How can we provide longer life to the people of India, to the citizen of India by providing good quality हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इम्प्रूव करके हम जो हमारे पब्लिक है, हमारी पीपल है, उनकी जो लाइफ है उसको लंबा बना सकते हैं, उसको हेल्दी बना सकते हैं. ओके, तो पहला तरीका क्या है? हेल्दी हेल्थ केयर जो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रॉपरली डेवलप करके गुड क्वालिटी हेल्थ केयर का एक्सेस प्रोवाइड करा के. एंड देन दूसरा तरीका यह है कि जो पुअर लोग हैं उनके ऊपर से जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको कम करके. ओके, ये दो तरीके हैं जिससे कि हमारी जो जनता है उनकी जो लाइफ है उसको लंबा किया जा सकता है. सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू अचीव द विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी एक्सेस टू द हेल्थ केयर एंड ऑल्सो बाय रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द पुअर एंड डिप्राइव्ड रूरल हाउसहोल्ड. डिप्राइव्ड हाउसहोल्ड, नॉट रूरल ओनली हाउसहोल्ड, राइट? सो आई होप गाइस द ऑब्जेक्टिव इज क्लियर. इसका ऑब्जेक्टिव मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. क्या करना है इसमें? गुड क्वालिटी हेल्थ केयर का एक्सेस प्रोवाइड कराना है और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको कम करना है फ्रॉम द पीपल जो कि पुअर है और डिप्राइव्ड है. ऑलराइट, एंड ये जो स्कीम है गाइस, इट इज अ रीक्रिस्टेंट फॉर्म ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम. इससे पहले ये स्कीम चलती थी नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, उसको रीक्रिस्टेंट करके आयुष्मान भारत बनाया गया. एंड इससे पहले एक और स्कीम थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना. ओके, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इस स्कीम को सब्स्यूम कर दिया गया अंडर द आयुष्मान भारत. सो यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ द स्कीम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना. दिस स्कीम वाज सब्स्यूम्ड अंडर द आयुष्मान भारत आफ्टर इट्स लॉन्च. ओके, सो आई होप द ऑब्जेक्टिव इज क्लियर. एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोर्स इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज. सो दैट इज व्हाई द मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, व्हिच इज हेडेड बाय डॉक्टर हर्षवर्धन. हिज लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी इज चांदनी चौक एंड ही इज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस. ओके, and this national health authority guys is the national implementing agency of the scheme. Jo overall guidance hai, national implementing agency is the national health authority. Okay, overall guidance, overall monitoring of the scheme, ye sara kaam kiska hota hai? National health authority ka. And this is Dr. Indu Bhushan, the CEO of national health authority. Aur ye jo national health authority hai, isse pehle kya tha? नेशनल हेल्थ एजेंसी था. इसको 2019 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी. राइट, एंड अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि पैसा कहां से लाओगे? कि ये जो हम खर्चा करेंगे इसमें, जो भी स्कीम में जो भी खर्चा होगा, जो भी हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उनको डेवलप करने के लिए और जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है प्रोवाइड कराने के लिए, उसमें पैसा चाहिए होगा. सो जो इसका फंडिंग पैटर्न है गाइस, रिमेंबर वन थिंग दैट दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. ओके, दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का फंडिंग पैटर्न आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से. 60:40 इन केस ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स. ओके, 90:10 इन द केस ऑफ सेंटर, इन द केस ऑफ हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. इसके अलावा 100% होगा अगर यूटी है विदाउट लेजिस्लेचर एंड 60:40 होगा इफ देयर इज अ यूटी विद लेजिस्लेचर. राइट, सो 60:40 जो फंडिंग पैटर्न है वो किसने है? सेंटर एंड द स्टेट्स और उसके अलावा सेंटर एंड यूटीज विद लेजिस्लेचर. राइट, 90:10 किसका है? सेंटर एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स. एंड 100% फंडिंग दी जाएगी किन के लिए? ऐसे यूटीज के लिए जो कि जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं है. ओके, सो दिस इज द फंडिंग पैटर्न. एंड इफ यू टॉक अबाउट द बेनिफिशियरीज,
सो जो बेनिफिशियरीज है दे विल बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 एंड ओनली द पुअर एंड डिप्राइव्ड हाउसहोल्ड्स. ओके, पुअर एंड डिप्राइव्ड हाउसहोल्ड्स आर द एलिजिबल बेनिफिशियरीज अंडर द स्कीम एंड दीज बेनिफिशियरीज विल बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ऑफ 2011. ओके, एंड इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना था जिसको सब्स्यूम किया गया उसके अंदर जो भी फैमिलीज थी, ओके, जो भी फैमिलीज थी वो भी ऑटोमेटिकली आयुष्मान भारत के बेनिफिशियरी बन जाएंगे. ओके, दे विल आल्सो बिकम द बेनिफिशियरी ऑफ द आयुष्मान भारत. दोस फैमिलीज विच आर ऑलरेडी एनरोल्ड अंडर द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आर नाउ एनरोल्ड अंडर द आयुष्मान भारत. ओके, सो आई होप द बेनिफिशियरी इज क्लियर. अब बेनिफिशियरीज को याद रखने का क्या तरीका है गाइस, बिकॉज सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द पुअर एंड डिप्राइव्ड हाउसहोल्ड, तो अगर पुअर एंड डिप्राइव्ड हाउसहोल्ड की बात करें तो जनरली हमारे दिमाग में एक ही सेंसस का नाम आता है, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जिसने की इकोनॉमी के बेस पे जो इकोनॉमिक कंडीशन था उसके बेस पे सर्वे किया था. तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 का था उसके हिसाब से जो भी पुअर एंड डिप्राइव्ड हाउसहोल्ड्स है उन सभी को, वेदर इट इज एन अर्बन एरिया और द रूरल एरिया, उन सभी को इस स्कीम का बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाएगा. ओके, एंड राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को याद रखने का तरीका क्या है, वो ये है क्योंकि ये इसके अंदर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को सब्स्यूम कर दिया गया था, तो ऑब्वियसली इसके जो बेनिफिशियरीज होंगे वो कहां जाएंगे, दे विल बी ऑब्वियसली गेट सब्स्यूम्ड इनटू द आयुष्मान भारत. ऑलराइट, सो आई होप द बेनिफिशियरीज इज क्लियर, फंडिंग इज क्लियर एंड लॉन्च ईयर. लॉन्च ईयर गाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लोकेशन ऑफ लॉन्च इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट वॉज लॉन्च इन 2018 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रॉम रांची झारखंड. रांची झारखंड में जो है वहां से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था. एंड आई होप 2018 का आपको याद होगा, काफी चर्चा में रहा था ये स्कीम, सो आई होप इसको याद रखना, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. ओके, एंड नाउ देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द स्कीम एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, ये आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी. ओके, सो लेट अस डिस्कस द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स. नंबर वन इज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर. सो अकॉर्डिंग टू द स्कीम गवर्नमेंट विल बिल्ड 150,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अक्रॉस द कंट्री. पूरे देश में 150,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे. ओके, एंड दीज सेंटर्स डिलीवर कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर. ये जो सेंटर्स होंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, दे विल प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर और जो बाकी जो इसका दूसरा कंपोनेंट है उसमें सेकेंडरी और टर्शियरी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी. एंड दे कवर बोथ मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. एंड आप सबको याद होगा दैट द फर्स्ट प्राइमरी दैट द फर्स्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अंडर दिस स्कीम वाज एस्टैब्लिश्ड एट बीजापुर इन छत्तीसगढ़. बीजापुर छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री द्वारा ही इस पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया था. ऑलराइट, सो आई होप द फर्स्ट कंपोनेंट इज क्लियर. बेसिकली इन द फर्स्ट कंपोनेंट अंडर द फर्स्ट कंपोनेंट 150,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विल बी क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट एंड दीज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विल प्रोवाइड द प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज टू बोथ मेटर्नल एंड चाइल्ड एंड ऑल्सो द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. ओके, एंड द फर्स्ट प्राइमरी फर्स्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट बीजापुर इन छत्तीसगढ़. ओके, एंड नाउ द मेन कॉम्पोनेंट पीएम जन आरोग्य योजना, जिसमें कि 5 लाख रुपीज के बेनिफिट दिया जाता है. ऑफ कोर्स ये आपको याद होगा, इसको आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. सो इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो कि गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंस की जा रही है. अंडर दिस अ कवर ऑफ रुपीज 5 लाख इज प्रोवाइडेड फॉर ईच फैमिली. ओके, रिमेंबर द वर्ड फैमिली. यहाँ पे इंडिविजुअल को 5 लाख रुपए नहीं दिए जाएंगे, फैमिली को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे. और फैमिली में किसी भी चाहे एक मेंबर 5 लाख यूज करे चाहे 10 मेंबर 5 लाख यूज करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, सो ये 5 लाख रुपए जो है ये पर फैमिली है, नॉट पर इंडिविजुअल है. ओके, इसमें 3 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस कवर है. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द फैमिली मेंबर, कितने भी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं और कोई एज का इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई जेंडर का क्राइटेरिया नहीं है, सबके लिए है. और फैमिली की जो नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली है उस पर भी कोई बार नहीं रखा गया है. बट जो हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना था जिसको सब्स्यूम कर दिया गया, देयर वाज अ बार ऑन द नंबर ऑफ फैमिलीज. इसमें मैक्सिमम 5 मेंबर्स थे अगर फैमिलीज में तभी ये वाला बेनिफिट दिया जाता था. ओके, एंड जितनी भी अगर किसी पर्सन को प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस हैं तो उसको भी कवर कर लिया जाएगा अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. एंड दीज टू कॉम्पोनेंट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड आयुष्मान भारत आर जब इनको कंबाइन करते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, आयुष्मान भारत स्कीम. ओके, एंड व्हाट इज द इंप्लीमेंटेशन मॉडल. द स्कीम गाइस इज इंप्लीमेंटेड बेस्ड ऑन 3 मॉडल. नंबर 1 इज ट्रस्ट मॉडल, नंबर 2 इंश्योरेंस, नंबर 3 हाइब्रिड एंड मिक्स्ड मॉडल. अगर आपने इंश्योरेंस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो आपको इन तीनों वर्ड्स का मतलब जरूर पता होगा. लेट मी एक्सप्लेन दिस ट्रस्ट मॉडल.
सो ट्रस्ट मॉडल में क्या होता है, जो गवर्नमेंट है ओके जो गवर्नमेंट है थ्रू इट्स स्टेट हेल्थ अथॉरिटी विल मेक अ ट्रस्ट। गवर्नमेंट क्या करेगी, जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी वो एक ट्रस्ट बनाएगी ओके एंड ऑल द पेमेंट्स आर विल बी डन बाय दिस ट्रस्ट। जितना भी पेमेंट होगा, जो भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो भी होंगे, या अगर कोई ऐसा हॉस्पिटल है, लेट अस से कि मैं हूं और मैं आयुष्मान भारत का बेनिफिशियरी हूं ओके मैं एक हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में मैंने अपना इलाज कराया, तो जो उसका पैसा है उस हॉस्पिटल को पैसा कौन देगा, ये वाला ट्रस्ट देगा, दैट इज क्रिएटेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट जहां पे मैं रहता हूं ओके। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस मॉडल। इंश्योरेंस मॉडल में क्या होगा, द स्टेट विल यू नो इनवाइट द इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी को इनवाइट किया जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी को सिलेक्ट किया जाएगा, देन द क्लेम प्रोसीजर जो क्लेम सेटलमेंट होगा दैट विल बी डन बाय द इंश्योरेंस कंपनीज ओके। एंड देन वी हैव हाइब्रिड मिक्स, हाइब्रिड और मिक्स्ड मॉडल, जिसमें क्या होगा कि जो इंश्योरेंस कंपनी होगी उसका काम होगा क्लेम सेटलमेंट का, और जो स्टेट होगा उसका काम होगा फंड मैनेजमेंट का ओके। हाइब्रिड और मिक्स में क्या होगा, हाइब्रिड में इंश्योरेंस कंपनी विल सेटल द क्लेम्स ओके एंड जो स्टेट होगा दैट विल मैनेज द फंड। सो आई होप दीस थ्री मॉडल्स आर क्लियर। ट्रस्ट मॉडल में ट्रस्ट बनाया जाएगा जिसको स्टेट मैनेज करेगा एंड ऑल द पेमेंट्स विल बी डन बाय द स्टेट। इंश्योरेंस मॉडल में इंश्योरेंस कंपनी विल डू द क्लेम सेटलमेंट एंड ऑफ जो हाइब्रिड और मिक्स मॉडल है उसमें जो इंश्योरेंस कंपनी होगी दैट विल यू नो सेटल द क्लेम एंड जो स्टेट होगा दैट विल मैनेज द फंड्स ओके। सो दिस इज हाउ दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड एंड दीज आर द फोर स्टेट्स जहां पे अभी ये स्कीम इम्प्लीमेंटेड नहीं है, दिल्ली इज द यूपी, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना एंड उड़ीसा। वेस्ट बंगाल की सरकार का कहना है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छी स्कीम है, हमें आयुष्मान भारत की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार का ये कहना था दैट वी ऑलरेडी हैव मोहल्ला क्लिनिक, सो वी डोंट वांट एनी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सो दीज आर फोर स्टेट्स एंड यूटीज जहां पे ये स्कीम अभी इंप्लीमेंटेड नहीं है। आयुष्मान भारत गाइस वाज इन न्यूज बिकॉज रिसेंटली आरोग्य मंथन 2.0 वाज कंडक्टेड, वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर 2020 टू मार्क द सेकंड एनिवर्सरी ऑफ द स्कीम आयुष्मान भारत। इसको सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था, तो अब 2 साल हो चुके हैं, उसके उपलक्ष्य में आरोग्य मंथन 2.0 वाज ऑर्गेनाइज्ड। ऑलराइट, सो गाइस दिस वाज अबाउट द स्कीम, आई होप आपको ये स्कीम क्लियर है, देयर आर नो डाउट्स। सो लेट मी समराइज यू द स्कीम। इट वाज लॉन्च्ड इन 2018, इट इज फॉर प्रोवाइडिंग बेटर हेल्थकेयर फैसिलिटीज एंड प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पुअर एंड रूरल हाउसहोल्ड्स, और इसमें 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना टू ईच फैमिली नॉट इंडिविजुअल। इसके अलावा द नेशनल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, सीईओ डॉक्टर इंदी भूषण, एंड इसके अलावा द मिनिस्ट्री इज मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो इट इज वेरी इजी स्कीम, इसको अननेसेसरी लोगों ने कॉम्प्लेक्स बना रखा है, दैट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। आयुष्मान भारत नाम से पता चलता है, हम किसी को जब आशीर्वाद देते हैं तो क्या बोलते हैं, इन हिंदी मैथोलॉजी वी से आयुष्मान भव। सो आयुष्मान भव का मतलब क्या है कि लंबा जियो, जीते रहो। सो जीते रहो, हम जियेंगे कैसे जब तक कि हमारे पास कोई हेल्थ केयर अच्छी फैसिलिटीज नहीं होंगी ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस। आकाश इज अ रेजिडेंट ऑफ न्यू दिल्ली एंड इज अ डाक पिकर। इन द मंथ ऑफ अगस्त 2020 ही हर्ड ऑफ आयुष्मान भारत एंड वांटेड टू गेट एनरोल्ड इन द स्कीम। व्हेन ही अप्रोच्ड द अथॉरिटीज ही वाज डिनाइड द एनरोलमेंट एंड द रीजन गिवन टू हिम वाज नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम इन न्यू दिल्ली। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट इंप्लीमेंटिंग द स्कीम एज ऑन अगस्त 2020। सो इस पैसेज को पढ़ के हमें ये पता चलता है कि ऑलरेडी जो न्यू दिल्ली है वहां पे ये स्कीम इंप्लीमेंटेड नहीं है ओके। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऐसा और स्टेट है जहां पे ये स्कीम इंप्लीमेंटेड नहीं है। सो अभी हमने पढ़ा था देयर आर फोर स्टेट्स एंड तेलंगाना इज वन ऑफ देम, ऑप्शन ए तेलंगाना विल बी द करेक्ट आंसर है ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीएम जन आरोग्य योजना। So rupees 5 lakh insurance is provided under the scheme. Yes, this is absolutely correct. Enrolled family can have maximum 5 members. No, this was the provision under Rashtriya Swasthya Bima Yojana, but not in Ayushman Bharat. There is no cap on the family size. Pre-existing disease are not covered. No, this is also incorrect. Pre-existing disease are covered under the Ayushman Bharat. Alright. So second and third statement are incorrect. So therefore, the correct answer should be what? Option C. Only 2 and 3. And the question number 3, from where was the Ayushman Bharat scheme launched? So I told you the location is very important. Kuch schemes aise hain guys, inki location kaafi important hai. Like we have Poshan Abhiyan, that was launched from Jhunjhunu in Rajasthan. We have Beti Bachao, Beti Padhao, that was launched from Panipat in Haryana. And we have this Ayushman Bharat,
that was launched from Ranchi in Jharkhand. So here the correct answer is what? Option C, Ranchi, Jharkhand. And the question number 4 is, which of the following is not one of the implementation model under Ayushman Bharat scheme? So we have 3 models. We have insurance model, we have hybrid model, and we have trust model. Self-financing model जैसा कुछ नहीं है. Option D will be the correct answer here. और इसमें question ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कितने models में, कितने तरीके के models में इस scheme को implement किया जाता है. Okay? So we have 3 models, that is insurance, hybrid, and trust. Okay? And now the last question, question number 5. Where was the first health and wellness center established under Ayushman Bharat? Guys, this scheme, this question has already been asked in various exams, and you never know कि in future भी किसी exam में पूछा चला जाए. So the first health and wellness center was established in Bijapur in Chhattisgarh by the Prime Minister itself. So option B, Bijapur Chhattisgarh here is the correct answer. Okay? And guys, that's it for the session. I hope आपको ये session अच्छा लगा. For more updates, do subscribe to our channel and press the bell icon. And also, कल एक नई scheme के साथ मिलेंगे. So do watch the complete session of tomorrow. Tomorrow we are going to discuss Sukanya Samriddhi Yojana. So thank you so much for watching. Good night, take care, and God bless.